ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव ने मिडिल ईस्ट में लगी आग को और भड़काने का काम किया है। पहले से चली आ रही इसराइल और हमास की जंग में ईरान की डायरेक्ट एंट्री होने से जंग खूंखार हो गई है। आए दिन ईरान के इजरायली हमलों से दहलने की खबरें सामने आती हैं, तो वहीं ईरान भी इसराइल पर हावी होने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। दोनों ही देश एक दूसरे पर इतने ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसराइल अंदर ही अंदर ईरान पर एक बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। इसी कड़ी में ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कई साइबर अटैक किए गए। जी हाँ, सही सुना आपने, यह हमला ईरान के इमारतों या उनके इलाकों पर नहीं बल्कि ईरान की रीढ़ पर किया गया है। ईरान में हुए साइबर अटैक ने लगभग हर सेवा पर असर डाला, जिसकी वजह से ईरान सरकार की करीब सभी सेवाएं बंद हो गई थी। इस हमले में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इस साइबर अटैक को ईरान पर यह इसराइल का जवाबी हमला बताया जा रहा है, क्योंकि ईरान के हमले से बौखलाए इसराइल ने जवाब देने की बात कही थी। और अब इसी कड़ी में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हुए इस साइबर अटैक के पीछे इसराइल का हाथ है। ईरान के साइबर स्पेस की सर्वोच्च परिषद के पूर्व सचिव फिरोजाबादी के मुताबिक ईरान के लगभग सभी सरकारी बलों पर साइबर हमले किए गए। इस हमले के बाद ईरान की कई अहम जानकारियां चोरी कर ली गईं। ईरान के परमाणु संयंत्रों के अलावा ईंधन वितरण, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन और बंदरगाह जैसे कई अहम नेटवर्कों पर साइबर अटैक किया गया। आपको बता दें कि इसराइल ने उत्तरी गाजा के बाद अब लेबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों के खिलाफ जमीनी हमला किया है। इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की धमकी दी है। उसका दावा है कि हिजबुल्ला अपने लड़ाकों और हथियारों को ले जाने के लिए इनका दुरुपयोग कर रहा है। इसराइल ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी वाहन लड़ाकों को ले जाता हुआ पाया गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही एक इसराइली हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान के नबातीह में कवाट्रियात अल सैद शहर में एक 3 मंजिला इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। और दक्षिणी लेबनान के बजौरिये में ज़ेबकीन शहरों के बाहरी इलाकों में भी इसराइली हवाई हमलों की जानकारी मिली। और सिडोन जिले से अल बसीरी में इसराइली हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए और 3 घायल हो गए। इस साइबर अटैक को लेकर इसराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि ईरान और इसराइल कभी भी गंभीर सैन्य टकराव के इतने करीब नहीं रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले और करीब 200 रॉकेट से बड़ा हमला करने के बाद इसराइल ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों से खार खाए बैठा है। इसराइली युद्ध कैबिनेट ने अपने अगले कदम पर चर्चा के लिए बैठक की है, लेकिन विकल्प क्या है और ये कितना आगे तक जाएगा ये आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा।